पूछा जुदाल बोले ना अमेरिका से आया एक काला इंसान सर पे टोपी चार कान अमेरिका से आया एक इंसान काला इंसान काला इंसान सर पे टोपी चार कान सर पे टोपी चार कान सब सब नाम बताओ अपन उपासना देवी उपासना मैं तो कक्षा पोखल साइड ना कांडी कसाली कांडी कसाली पहले जवाब दे आऊं फिर से जरा ये सवाल दो दो रहो अमेरिका से आया एक काला इंसान सर पे टोपी चार कान लॉन्ग लड़की नाम भी हुई फूल बिच आ नदी बिच आर फिल्म नाम बिच भाई तो बहुत कठिन है भाई चलो हैं बोलो नील कमल नहीं चारों नाम एक ही है क्या क्या नदी एक तो लड़की का नाम है एक नदी है अब फूल भी है और फिल्म भी है चारों का नाम एक ही है गंगा मैं नाम उत्तर नहीं बताऊंगी मैं नाम नहीं बताएंगे एक प्रश्न जी में करना पड़ गए है सुनो वो फ्योली नदी भी तो चाहिए नदी भी चाहिए गंगा फिल्म भी है वो नाम भी हो सकता है नदी भी है और फूल भी है तो इनको गांव दो ना बोलो जवाब कैसे दोगे आप क्या चाहिए जवाब जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको आप से सिंधी खाल दे दोला हम ढोंडाल दे दोला मठल दे दोला जवाब भी नहीं देना बस सारा पौड़ी दे दोला हाँ ना ना एक ही चपला फूल तोड़ जाओ सोचो तो सही पहले सोचो सही हाँ वो सही भागीनो एक सवाल पूछे भागीना वन आप लोग सही आना में पकड़ना कंचना बहुत बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट में दिमाग की कसरत भी होता है चलो अच्छा ध्यान से जवाब कहते नहीं आन चलो कोई बात नहीं ये सवाल जवाब हम अपना दर्शकों को पूछ ला तो दर्शकों ये सवाल को जवाब तुम दे यहाँ पे हमारे गांव में आया कृष्ण बगौर जी और अन्य पूरी टीम हम स्वागत करना छो और तगड़ी बहुत बहुत धन्यवाद कर ला कि आज हमारे गांव में आए हम तभी मौका दिया कुछ बोलना के तो आप लोग सभी लोगों हम एक लोग गीत सुनौला हमें गीत पसंद आ लो या गलती होली तो माफ करें धन्यवाद पांच पांडो मिया की भाग हमारा धन धने भाग हमारा धन धने मटिया के महान जी ताले सहस्त्र गाठी फूल की आसमान जी ओ गंगा जमुना सब की से मिटाणी जाओ कत करो तेली स्वाणी नमस्कार मेरा नाम सिया रावत है मैं ग्राम बांसी से की निवासी हूँ और पोस्ट ऑफिस भी हमारा ग्राम बांसी ही है तहसील लजडौन मैं सबसे पहले मैं अपने गांव की कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ सबसे पहली समस्या वैसे तो हमारे गांव में सब कुछ है गांव तक रोड आ रखी है हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहां पर मिल जाएगी बस यहां पर सबसे पहले एक है पानी की समस्या मतलब यहां पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर से लेकर बड़े बड़े लोगों को सबसे बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है मतलब जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें मतलब
पानी की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा है, और वही जरूरत हमारे गांव में मतलब ना मात्र है, मतलब नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को जब देखती हूँ तो इतने बड़े बड़े बर्तन लेके सर पे, तो इतने दूर दूर पानी लेने जाते हैं। तो मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी इनकी हाइट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो इतने बड़े बड़े बर्तन लेके अभी से मतलब इतने छोटे छोटे जा रहे हैं वहाँ पानी लेने जा रहे हैं। तो मतलब अगर मैं प्रधान बनूंगी इस गाँव की, तो सबसे पहले मैं यही करूंगी कि मैं अपने गाँव में पानी की व्यवस्था करूँ, मतलब है ना। और जो हमारे गाँव के प्रधान जी है, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगी कि सबसे पहले इस समस्या को आप जरूर देखें इस तरफ जरूर। आप इनसे बोलिए ये जरूर इस समस्या को पर बहुत जरूरत है पानी की। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे तो बहुत दूर दूर पानी लेने जाते हैं, और जो अभी तक बारिश हो रही थी तो कुछ स्रोत थे वहाँ पर बने हुए, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामने से हो जा रहा था, पर अभी बारिश की ना होने की वजह से तो वो भी सूख गए, तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। तो सबसे पहली समस्या तो ये है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में मतलब ये होता है कि लोग लड़कियों की शादी मतलब 12th पास हुआ और लोग कहते हैं कि मतलब अब चलो शादी करवा देते हैं लड़कियों की। मैं खुद अभी 24 साल की हूँ, मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी 24-25 साल तक। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब लोग ये सोचे ना कि पहले वो जब तक लड़की फिजिकली मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाती है उस चीज़ के लिए, तो वो मतलब 17-18-19 साल में मतलब लड़कियों की शादी ना करवाए, उनको पहले थोड़ा मैच्योर होने दे, उनको फिजिकली स्ट्रांग होने दे, उनकी आत्मनिर्भर होने दे, कुछ करें पढ़े है ना, उसके बाद देखें। मतलब शादी की जो उम्र होती है मतलब आई थिंक 21 साल के बाद, जब तक वो थोड़ा फिजिकली प्रिपेयर हो जाए उस चीज़ के लिए, तो तब जाकर आप लोगों को मतलब मैं सोचती हूँ कि आपको उनकी शादी के लिए सोचना चाहिए। और एजुकेशन बताओ और बताओ। और एजुकेशन के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर जो मतलब स्कूल हैं मतलब जूनियर हाई स्कूल तक, तो ये है कि सामने सामने है स्कूल, पर जो उसके बाद की पढ़ाई हो रही है मतलब 9th से लेकर 12th तक, तो बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और पूरा जंगल जंगल का रास्ता है। तो मतलब काफ़ी कितनी बातें हो जाती है आजकल, कभी जानवर आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो बच्चे मतलब ऐसे में घर वालों को भी टेंशन हो रही है उस चीज़ की, तो बहुत दिक्कतें हो रही है, कभी गाड़ी नहीं मिलती है यहाँ से, मतलब बहुत सारी समस्याएँ हैं मतलब अभी इस गाँव में। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब उस चीज पर विचार किया जाए, मतलब बहुत बहुत यही जो है महिला सशक्तिकरण का सबसे कम से कम इतना